बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक तरफ तो इसराइल गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन दो ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिन्होंने इसराइल की फौज को बिल्कुल इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया। एक तो बड़ी तबाही है और दूसरी जो तबाही आने वाली है, हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमला किया और इनकी कई मिलिट्री बेसिस उड़ा दी, रॉकेट्स मारे, चीज़ें मारी, वो तबाह हुआ। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो सूरत हाल है वो आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं वो है असल चीज, और उसका नाम है तबाह कुन सैलाब। देखिए, जब सैलाब आता है तो वो आपको मुकम्मल तौर पर बहा कर ले जाता है। यमन ने आज वो काम कर दिया है कि शायद आज से पहले नहीं हुआ। इन्होंने एक हद से ज्यादा तबाह कुन अपना ऑपरेशन शुरू करने वाले इसराइल में, और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए इनकी फौजों ने जो प्रैक्टिस की है वो इन्होंने इसराइल के अंदर लड़ने के लिए जो सारे कामात, जो सारे मामला था वो करने, और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है, यानी जो एक्सरसाइज हुई है, तबाह कुन सैलाब। सैलाब यानी एक ऐसा सैलाब जो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। अभी तक तो आपने और हमने देखा कि यमन के होसी समंदरों में हमला कर रहे थे, लेकिन अब वो असल अपने मिशन की तरफ जाने वाले हैं, और वो मिशन है कि ग्राउंड के ऊपर वो उतरने वाले हैं। इसमें इन्होंने ऐसे क्लास के ड्रोन्स, इनकी फौजों ने इनकी ट्रेनिंग, सुरंगों से निकल कर आना, फिजाई जो काम करना, अब ये सारे का सारा आज इन्होंने जो ऑपरेशन और ये तमाम इनकी फौजों ने एक्सरसाइज की है, वो असल में कह रहे हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यानी अब जो हमारी लड़ाई होने वाली है वो समंदरों से निकल कर अब ज़मीन पर लड़ाई होने वाली है। यानी असल में ये फौजें अब कैसे जाएंगी, क्या सूरत हाल होगी, ये एक मनाजिर, यानी जो तबाहकुन मनाजिर है वो देखने वाले होंगे। उन्होंने कहा कि हम असल में इसका नाम रखा है तबाहकुन सैलाब, यानी असल में डिस्ट्रक्टिव फ्लड। ये असल में एक ऐसा तबाहकुन सैलाब होता है कि एक दफ़ा पानी आ गया, सैलाब आ गया, आप फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। आपको पता है कि एक दफ़ा सैलाब आ जाए तो जितनी मर्जी बिल्डिंग्स हों तबाह, सबको वो तबाह करके ले जाती, यानी कोई ऐसी सूरत हाल बाकी नहीं रहती कि वो उसको बचा सके, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब ये जो सैलाब है वो हम इसराइल में दाखिल करने के लिए तैयार है। अब ये दाखिल कैसे करेंगे, ये गालिबन लिबनान से दाखिल करेंगे या कहीं और से दाखिल करेंगे। इस वक्त तो हालत ये है कि मुसाद के चीफ डेविड बर्निया वो हंगामी तौर पर, जैसे ही मनाजर ये तमाम कुछ है उनके नॉलेज में एक एक चीज़ होती है, उनको ये बताया गया है। अब वो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मामला तय करें, और उनको टास्क ये दिया गया है कि आपने कोई डील फाइनलाइज करवा लेनी है। देखिए, पहले भी गुफ्तगू के तमाम मामला होते थे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हुई है इसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसराइल के तमाम रेप्लिका चीज़ें सामने रखी हैं, कैसे हमने हमला करना है, हम वहाँ पर कैसे जाएंगे हमला, और ये तमाम स्ट्रेटजीज उन्होंने फाइनलाइज कर ली हैं। असल में उन्होंने ये बताया है कि आप भूल जाएं कि हमने आपके 165 शिप तबाह किए हैं, भूल जाएं आप, यानी आप ये सोच लें कि अब वो शिप जो तबाह किए हम उससे आगे निकल गए, अब जो हम करने के लिए जा रहे हैं वो इसराइल के फौजियों की यमन के फौजियों के साथ ब्राहरास लड़ाई होने वाली है। देखिए, इन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो इसमें बताया कि ये बाइक्स पर एंट्री इनकी होंगी, इनके हाथ में मिसाइल होंगे, ये ड्रोन्स होंगे, और उसके बाद ये इसराइल में पूरी तरह जंप करेंगे और वहाँ पर जाकर लड़ाई करेंगे। देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है यमन की, उन्होंने अपनी जो कामयाबी हासिल की है वो एयर डिफेंस के थ्रू की है, यानी फिजाई वो हमले करते हैं, यानी वो जाकर समंदरों में मारते हैं, ये सारी उनकी कामयाबी के अंदर गिनी जा रही है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप भूल जाएंगे जो अब हम काम करने वाले, अब हमारी फौजें दूबदू जाकर, यानी फेस टू फेस जीरो डिस्टेंस से हमारी लड़ाई होगी इसराइल की फौजों के साथ। अब आप सोचें कि ये जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि बिल्कुल आप ये समझ लें कि ऐसी ट्रेनिंग अमरीका के एडवांस लेवल की फोर्सेज, यानी उनकी जो इलीट यूनिट होते हैं नेवी सील के, वो ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं जो ट्रेनिंग ये करें। और सबसे बढ़कर बात ये है कि जिस तरह वहाँ पर एंट्री होगी, वहाँ पर लड़ाई होगी, उन्होंने प्लान ये किया कि बड़ी तादाद के अंदर ड्रोन्स पहले हम भेजेंगे, वो ड्रोन्स इतनी बमबारी करेंगे। और ये याद रहे, ये वही ड्रोन्स हैं छोटे छोटे जो इस वक्त इसराइल के शिप्स के ऊपर हमलावर हुए हैं। ये बात आप समझ रही हैं, वो जो हमला कर रहे हैं शिप्स पर वो ये हैं, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि ये जो शिप्स के ऊपर हमला करें, चाहे वो अमेरिका के वॉरशिप हो, देखिए अमेरिका के, खास तौर पर याद रखिएगा,
हालिया जो एक मामला सामने आया था उसका, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर भी छोटे ड्रोन आकर हमलावर हुए थे, ये डिटेक्ट नहीं होते। अब आप ये सोच रहे कि आपको 400-500 ड्रोन मारते हैं और वो सीधा जाकर तबाहकुन बमबारी करते हैं, बॉर्डर के ऊपर आपका सिस्टम डिसेबल कर देते हैं और उसी तादाद में इस सारी जरूरत हाल में इनकी फौजें वहां से दाखिल हो जाती है। और ये ऐसा नहीं, बड़ी तादाद में दाखिल हो जाएंगी, वहां बजाकर उन्हें लड़ाई करना है। और उसी वक्त याद रखिएगा, फिर अचानक से हिजबुल्ला की जानिब से रॉकेट की बरसात हो जाएगी। यानी इन्होंने प्लान ये किया है, हम डाइवर्ट कर देंगे सारी सिचुएशन को, वो हमला कर रहे होंगे, अच्छा हमने इनको तबाह करना है, हमने इनको तबाह करना है, उनका सिस्टम डिसेबल हो जाएगा, साइबर एक हमला हो जाएगा, नीचे से ही अपनी फौजें अंदर दाखिल कर देंगे। अब ये हमने आज से पहले कभी सिनेरियो नहीं देखा। अब बताइए, कोई तो ऐसी सूरत हाल है ना कि इस वक्त बिल्कुल जंग सर पर खड़ी है। जब ये लिबनान का मामला हुआ तो अचानक से डेविड बर्निया को दोहा भेजा, कहा जी आप जाकर फाइनलाइज करके आए, बस जल्दी से मामला तय करें। और हमास ने भी हिजबुल्ला को बता दिया कि हमने जो शरायत है वो उनकी मान ली है। ये बड़ी अजीब डेवलपमेंट है जो अचानक से हुई है और काफ़ी हद तक बेहतरी की तरह। उन्होंने कहा जी हमने इनकी बातें मान ली है, हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। उधर अमेरिका ने कहा आप करें। और इस सारे सिनेरियो में ये मामला हुआ, ये तब हुआ है जब अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स ने बात कह दी है कि इसराइल का आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, ये सारे उनकी फोर्सेस जो हैं और उनके चीफ जो है, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई नहीं करनी, ये असल में अब तक का सबसे अहम फैसला है। अब होशियों की तैयारी पूरी है। देखिए अब दो सिनेरियो होंगे, या तो एंड के ऊपर कोई एक आदि डील जो है वो कैंसिल हो जाएगी, यानी ये मामला आखिरी हद तक कोई हमला हो सकता है। अगर ये हुआ तो ये फिर आपको यमन की फौजें इसराइल में लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि फिर हिजबुल्लाह पर लड़ाई उन्होंने करनी है और वो तैयार बैठे हुए हैं। असल मसला सारा ये है कि ये जो लोग हैं जो इस वक्त यमन के पास होशियों के पास है, ये लाखों की तादाद में है। अब असल में उनके लिए किसी भी मुल्क के अंदर एंट्री करना कोई मसला नहीं है। सबसे पहले वो ये काम करते हैं कि किसी भी मुल्क पर हमला करना है, कुछ 400-500 ड्रोन आप इतने ले जाएं, ड्रोन से बमबारी करें। आप सोचें कि 400-500 ड्रोन, ये वो वाले ड्रोन है जो एक रोका नहीं जा रहा। अगर ये लिबनान पहुंचाकर इन्होंने हमला कर दिया और दूसरी जानिब हिजबुल्ला के जो हथियार हैं वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि उन्होंने जेरे ज़मीन रखे, वो मूविंग करते हैं, यानी लॉन्चिंग पैड, मूविंग मोबाइल जिसे आप कह सकते हैं लॉन्चिंग पैड है, तो वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हमला करेंगे। और फिर आप ये सोचें कि अगर इस सारी सिनेरियो में अगर लिबनान जंग छिड़ी, जो कि ईरान ने कह दिया है कि अगर छिड़ेगी तो हम हमला करेंगे, तो ईरान भी अगर साथ हाइपरसोनिक मिसाइल मार दे तो आप बताइए फिर इसराइल क्या बर्दाश्त कर सकता है, 400-500 ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट फोर्सेस और वहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल, इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। समझदार है इसराइल का आर्मी चीफ, इसमें कोई दो राय नहीं, उसने देख लिया है कि भाई ये हमारी तरफ तूफान आने वाला है और इस तूफान के नतीजे में मेरी फौज पता नहीं आधी तो वैसे ही ख़त्म हो जाए। और आधी फौज, देखिए सबसे बड़ा सिनेरियो उनको ये देखने को मिल रहा है कि इसराइल की बड़ी तादाद के अंदर लोग छोड़कर जा रहे हैं। आर्मी चीफ को सबसे पहले पता होता है कि हम ये जंग कितनी लड़ सकते हैं करी, क्योंकि जब वो रिपोर्ट मंगवाता है तो दो तरह की रिपोर्ट होती है, एक रिपोर्ट वो जिसने अवाम को बताना होता है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और दूसरी रिपोर्ट ये होती है कि इसराइल की जो पोजीशन है उसमें हम कितना लड़ सकते हैं, हमारा नुकसान कितना होगा, बदले में क्या होगा। और वो रिपोर्ट आप सबको पता है वो क्या है, उसमें तो बताया कि हाईवेज आपके उठ जाएंगे, पावर स्टेशन उठ जाएगा, ग्रिड उठ जाएगा, और जो खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी का चीफ है उसने भी आर्मी चीफ को कहा है कि नितन्याहू हमारी बात नहीं सुन रहा, आप इस बात को समझे, हम इसराइल की मैक्सिमम 40% बिजली का बैकअप कर सकते हैं, 35 से 40, यानी तकरीबन 65% के करीब इसराइल अंधेरे में डूब जाएगा। और अगर ये डूब जाएगा तो फिर इस सारी जरूरत हाल में हम जंग नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते। एक तरफ ये मामला शुरू है, दूसरी जानिब हिजबुल्ला ने काम ये किया है कि उनके नए रॉकेट्स आए हैं, उन्होंने इसराइल की मिलिट्री बेसिस उड़ा दी हैं, और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा हुई है कि अभी आप ये सोचें कि पहले होता ये था कि इसराइल बड़ा प्राउडली कहता था कि आज 100 रॉकेट मारे गए हैं या 100 फलाना मारा गया है, तो उसमें से हमने तकरीबन 88% गिरा दिया और 12 आ जाकर लगे और उसने भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं किया। अब तो हालत ये होती है कि 20-25 रॉकेट मारे जाएँ तो वह कहते हैं जी हमने 4 रोक लिए हैं, बाकी नहीं रोके गए। 25 में से आपने 4 रोक लिए हैं या 5 रोक लिए तो 20 तो मारे गए हैं, तो आप उसकी परसेंटेज का अंदाज़ा लगा लेना कितना है, यानी अब आप 10-15% भी रोकने के लिए तैयार नहीं है। सो इसराइल के ऊपर इस वक्त जो जंग मुसल्लत हुई है वो बड़ी ख़तरनाक होगी।
मसला सारा इस वक्त ये है कि अगर इसराइल को सिर्फ इतना पता होता कि 10% भी यकीन होता कि हम इस जंग को बड़े पैमाने पर जीत लेंगे, और अगर हमने ये जंग को लंबा कर दिया हम इनकी तबाही करेंगे। सबसे बड़ा मसला ये हुआ है जो इसराइल को बताया गया है अमेरिका और यूरोप की जानिब से कि हिजबुल्ला और ईरान ये असल में करीबन आप समझ लें वो कह रहे हैं कि 5 साल तक इजीली जंग लड़ सकते हैं। इनके पास इतना असलाह है क्योंकि ईरान लोकली बना रहा है, हिजबुल्ला भी लोकली बना रहा है। देखिए आज के दौर में जो मुल्क अपना असलाह बनाता है, जो ग्रुप बनाता है, उसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा उसके पास ही ताकत होती है। अब उन्होंने इनको बताया है कि जो हालात चल रहे हैं, प्रेशर दुनिया में आ रहा है, जो जिस तरह का मामला है, हम ज़्यादा देर तक ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, असले का मसला है। आपको पता है कि यूरोप ने इनकार क्यों किया इस वक्त इसराइल को? सबसे बड़ा मसला ये है यूरोप में कि उन्होंने तकरीबन 2.5 साल में यूक्रेन में अपना जितना असला था वो सारे का सारा कंज्यूम कर लिया है, यानी अब उनके पास असला नहीं है कि वो इसराइल को दे सके। और अमेरिका के पास भी जो असला है बड़ी तादाद के अंदर, वो भी उन्होंने कंज्यूम कर लिया यूक्रेन की जंग में। अब मसला ये है कि चाइना ने इनको दिया है, और यानी असला दिया, ईरान बराबर आकर मिसाइल इनको दे रहा है यानी रूस को, और नॉर्थ कोरिया भी बराबर आकर मिसाइल दे रहा है, तो उनको मसला नहीं है, यानी उन्होंने जंग नहीं लड़नी। ईरान तो आपको पता है पहले ही वो छोटे लेवल पर बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात है सस्ता बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रीज डबल शिफ्ट में काम कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनके पास असला है, मिसाइल है, और साथ साथ ईरान ने खुद भी अपने आप को यानी सेल्फ सफिशिएंट कर लिया है, खुद कफील कर लिया है। सो इस वक्त सारी सूरत हाल इसराइल के लिए खतरनाक इसलिए थी, उन्होंने बता दिया है। आप ये सोचें कि आज इसराइल के बड़े बड़े अखबार में इस तरह की हेडलाइंस रखती हैं, नेतन्याहू का शिप डूबने वाला है, नेतन्याहू का आखिरी वक्त शुरू हो चुका है, इसराइल को बचाना है या नेतन्याहू को बचाना है, फौज और नेतन्याहू, इस तरह की तस्वीर बनाई जाती है कि जी वो वहां पर बोट के ऊपर खड़ा हुआ है और दूसरी साइड से डूबने वाले नेतन्याहू। यानी आप ये सोचें इसराइली मीडिया के अंदर ये सारे का सारा मामला हो रहा है। सो अब बड़ी क्लियर सूरत हाल इसराइल की पैदा हो गई है, पोजिशनें भी क्लियर हो गई है, फैसले भी सब ने ले लिए हैं, सारे के सारे मामला हो चुके हैं, सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, और वो ये है कि अगर इसराइल इस जंग को बढ़ाता है तब उसकी तबाही है, अगर वो इस जंग को रोकता है तब भी उसकी तबाही है। आप एक दफा ये जंग रुकने दें, उसके बाद आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इसराइल की जो ताकत है वो कितनी बुरी तरह जमीन बोस हो जाएगी। उसके बाद ईरान और इन सब ताकतों ने सबसे बड़ा काम ये करना है कि एक बैकडोर चैनल पर एक प्लानिंग हो रही है, और वो प्लानिंग बड़ी खतरनाक है, उसमें बड़े बड़े इस्लामिक वर्ल्ड का यानी मुस्लिम कंट्रीज ऑन बोर्ड है। उनको ये कहा जा रहा है इसराइल की जानिब से कि आपने आगे बढ़कर एक काम करना है, यानी इंटरनेशनल सतह पर कुछ हम नुमाइंदे मुकर्रर कर दें जो असल में इसराइल के लिए काम करें, हों वो मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड से हों, इस्लामिक कंट्री से हों, या इंटरनेशनल सतह पर हों, वो वहाँ पर जाकर गजा में हुकूमत करें, लेकिन हमास को हुकूमत नहीं देनी। अब ये भी एक प्लान डिस्कस हो रहा है कि अगर जंग बंदी होती है तो इस तरह का सिनेरियो सामने आ सकता है। अब एक बात आप जहन में रखिएगा, अगर ये भी सूरत हाल हो जाएगी, ना तो ईरान को काबिले कबूल है, ना हमास को, ना फलस्तीनियों को, ना गजा को, किसी को भी काबिले कबूल है, तो जंग तो फिर भी होनी है। तो आप अपना बोरिया बिस्ता इस संभाल कर रखें भाई, ये जो सूरत हाल है वो किसी ने बर्दाश्त नहीं करनी, ये इन सब के अपने अपने मुल्क हैं, और अगर ये कोई समझ रहा है कि ऐसा कोई मामला बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले एक बात आप समझें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बैकडोर चैनल पर एक मुल्क है जो जोर दे रहा है कि यार इस जंग को रोक दिया जाए। अब जानते हैं उस मुल्क का नाम क्या, उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब के फैसल बिन फरहान ने जो बात की है आज, उन्होंने बड़ा क्लियरली मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम दिया है कि इससे पहले कि ये जंग लेबनान में पहुंचे, वहां से शुरू हो, वहां से करते करते पूरे मिडिल ईस्ट को लपेट में ले ले, हमें बेहतर है कि वहां पर इंटरनेशनल सतह की तमाम ममालिक यानी बड़े ममालिक की फोर्सेस वहां पर भेज देनी चाहिए जो इसराइल को जाकर रोके, वरना ये जंग जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया सिर्फ बातें कर रही है, यानी मजम्मतें कर रही है, फलाना कर रही है, लेकिन फौज कोई भेजने के लिए तैयार नहीं। हमें फौज भेजनी चाहिए जिस पर यूनाइटेड नेशन बैक पर खड़ा हो, ताकि इसराइल को रोका जाए। अब इसराइल को ये बात बहुत बुरी लगी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसराइल को एक तरफ लग रहा है कि अगर लट से जंग बंद भी हो जाती है तो ये बाकी सारे मेक श्योर करेंगे कि मुल्क हम खाने ना दें। तो अब आप सोचें कि एक तरफ तो होशियों की तैयारी है, ये जो अगर प्लान बनाकर बैठे हुए थे ना कि हमने यहाँ से ये कर लेना, वहाँ से ये कर लेना है, आप सोच नहीं सकते लाखों के हिसाब से इस वक्त होशियों की फोर्सेस तैयार बैठी हुई हैं, लाखों के हिसाब से।
और वो लिबनान के अंदर दाखिल होना इराक से कम 2.5 लाख के करीब है, और ईरान में 25 लाख लोगों ने अपने आप को वॉलंटियरली रजिस्टर करवाया है कि हमने इसराइल के अंदर जाकर लड़ना है। आज से पहले कभी लड़ाई नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या लड़ाई करेंगे, कैसे होगा। देखिए, क्या आपने आज से पहले जिंदगी में कभी एक ऐसी सूरत हाल देखी थी कि इसराइल के ऊपर हमला हो? ईरान ने किया ना, कितनी दूर से किया, हाइपरसोनिक मिसाइल भी मारा, निवातम बेस भी उड़ा दी उनकी। सो सारे सिनेरियो में याद रखिएगा, बहुत सारी जो चीज़ें आज से पहले नहीं हुई वो पहली दफ़ा हो रही हैं, और आप और हम उन तमाम चीज़ों के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई होगी ये वाकई बड़ी ख़तरनाक होने वाली है इसराइल के लिए, और ज़्यादा देर तक हम इन मामलात को खींच नहीं सकते। सो कुल मिलाकर अगर इसराइल की सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो हालात ये बता रहे हैं कि मामलात इसराइल के लिए ख़राब है। ये फोर्सेस आ गई हैं, दरवाजे पर आ गई हैं इसराइल के। सिर्फ एक गलती इन्होंने करनी है लिबनान जंग की, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम ये जंग शुरू करने वाले हैं, खेल खत्म। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।